हेलो फ्रेंड्स, पूरे भारत में लगभग हर जिम और फिटनेस क्लब में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के पोस्टर आमतौर पर दिखाई देते हैं। परफेक्ट फिजिक और मैसिव बॉडी फ्रेम में फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग लेने के लिए सैकड़ों हजारों लोगों को प्रेरित किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्नोल्ड के बनने से पहले वेस्ट बंगाल के एक छोटे से आदमी ने ही 1951 में मिस्टर यूनिवर्स को जीतने वाला फर्स्ट एशियन बनकर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में हिस्ट्री बना दी थी। दोस्तों, हम 1951 में ग्रुप थर्ड एमेच्योर डिवीजन में मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाले इंडियन बॉडी बिल्डर मोनोतोष रॉय के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें इंडियन बॉडी बिल्डिंग लीजेंड मोनोतोष रॉय की जीवन यात्रा पर नजर डालनी चाहिए। उनका जन्म गजारिया विलेज ढाका डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में है। वे एक गरीब परिवार में बड़े हुए थे। कठिनाइयों के बावजूद रॉय के परिवार ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें एक इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। रॉय ने 12 साल की उम्र में अपना वेटलिफ्टिंग ट्रेनिंग शुरू कर दिया। ये सितारा बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में अपने नाम को मार्क करने के लिए एक यात्रा पर था। विष्णु चारण घोष भारतीय मिट्टी पर सबसे बड़ा योगा टीचर्स में से एक था। इसे रॉय का भाग्य कह सकते हैं कि एक दिन विष्णु ने रॉय को जिम में काम करते हुए देखा और इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार कर लिया। विष्णु चारण घोष के मार्गदर्शन में रॉय बॉडी बिल्डिंग और योग की दुनिया में गए, एक कॉम्बिनेशन जो आज शायद ही कभी देखा जाता है। 1939 में उन्होंने पहली बार कंपटीशन में कदम रखा। हालांकि उन्होंने किसी भी पोजीशन को सिक्योर नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता से सबक सीखने का फैसला किया और उसी वर्ष उन्होंने ईस्ट इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अपने आप को सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, रॉय ने ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का टाइटल जीता। यहां लगभग कोई सूचना नहीं है क्या रॉय ने 1939-1947 साल के बीच कंपटीशन किया। हालांकि हमें विश्वास है कि उन्हें मोस्टली ऐसा किया होगा। 1951 में रॉय ने यूके को कम्पीट करने के लिए यात्रा की थी, जो मिस्टर यूनिवर्स अभी भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय टाइटल रहे हैं। और ये सबके लिए आश्चर्य की बात है कि उन्होंने ग्रुप थर्ड इमेच्योर डिवीजन कैटेगरी में मिस्टर यूनिवर्स टाइटल जीता। रॉय ने खुद को एक कलाकार के रूप में माना था और इसलिए हमेशा अपने परफॉर्मेंस के लिए एक थीम पर चुने गए। कॉम्पिटिशन की रात में रॉय ने 2 मिनट स्पेयर बैंडिंग डेयर डेविल कार्य करने का फैसला किया। रॉय ने स्टंट प्रदर्शन के लिए एक शार्प डैगर का इस्तेमाल किया। उन्हें स्पष्ट रूप से एक डैगर पर खुद को आरोहित किया, जो कि एक रोड के अंत में फिक्स किया गया था। वो तो हवा में अपने हाथ और पैर को सस्पेंड करके डैगर पर अपने पेट पर सोया था। दबाव के तहत रोड बैंड हुआ और रॉय हंसते हुए प्रकट हो गए। भीड़ स्पीचलेस थी। रॉय की एक्सट्रीमली एस्थेटिक फिजिक ने दर्शकों को सम्मोहित किया और उनके कंपिटिटर्स को दूर रखा। उनकी जीसस क्रिस्ट पोजिंग रूटीन विशेष रूप से दर्शकों के बीच उन्हें इंस्टेंट हिट बना दिया। शो के बाद रॉय के ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग घंटों तक लाइन में ठहरे थे। इस अचीवमेंट ने न केवल उन्हें ऐसा करने वाला पहला भारतीय बनाया, बल्कि मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीतने के बाद रॉय भारत लौट आए और इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की स्थापना की। इन फॉलो अप में उन्होंने कई बॉडी बिल्डिंग सेंटर्स और जिम और ट्रेनिंग सेलिब्रिटीज को खोला। रॉय ने बेयर हैंड से स्टील बैंड करने की अपनी क्षमता और योग पर उनकी मास्टरी के लिए भी जाना जाता है। बाद में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई पूरी की और बॉडी बिल्डिंग पर कई किताबें लिखी। वो हेल्थ और फिटनेस पब्लिकेशंस के लिए विशेष रूप से फीचर्ड कॉलमनिस्ट बन गए। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया, जो दूरदर्शन में प्रसारित भी हुआ। उन्होंने कोलकाता में कई बॉडी बिल्डिंग और योग केंद्र स्थापित किए। इन सब भावनाओं को देखते हुए यहाँ तक कि मॉडर्न डे बॉडी बिल्डिंग में भी उनका नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर प्राप्त करना बहुत कठिन है। तब इसके अलावा अब कोई उचित ट्रेनिंग इक्विपमेंट नहीं था और ना ही स्टेरॉइड और सप्लीमेंट्स उपलब्ध थे।
रॉय की 88 साल की उम्र में 2005 में ओल्ड एज के कारण मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके मल्टी जिम उनके बेटे मॉलॉय रॉय द्वारा चलाए जाते हैं। मॉलॉय रॉय भी अर्जुन अवार्ड और 8 बार मिस्टर इंडिया के रेसिपिएंट है। इंडियन बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र हमेशा इस महान विजेता को याद रखेगा। वो हैंडवर्क और डेडिकेशन का सच्चा प्रतीक है। अंत में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तुलना में एक लोकप्रिय बिलीफ गलत है। मनोहर एच भारत का पहला मिस्टर यूनिवर्स नहीं था, उन्होंने 1952 में टाइटल हासिल किया था। जब हम फैक्ट्स पर आते हैं तो मनोहर एच टाइटल हासिल करने वाले भारत से दूसरे स्थान पर थे। फिर भी अगर हम विकिपीडिया में मिस्टर यूनिवर्स विजेताओं की सूची को देखते हैं तो मनोहर एच का नाम 1952 फर्स्ट इमेच्योर मिस्टर यूनिवर्स विजेता के रूप में दिखाई देता है। खैर, हम इसे शॉर्ट आउट करने के लिए फेडरेशन को छोड़ देते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है। नीचे अपनी टिप्पणी छोड़ने और WhatsApp पर दोस्तों के बीच शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। धन्यवाद।